एक बार एक बहुत महान राजा था जिसे नई चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। एक बार उसके दरबार में एक महान सन्यासी आने वाला था। उसके आने के कारण राजा बहुत खुश था, लेकिन वो सन्यासी हर किसी से नहीं मिलता था। इसीलिए वो महल में आया और एक अलग कमरे में राजा से मिला। राजा ने उस सन्यासी से कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे महल में आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान और आपकी बताई सारी बातें मेरी प्रजा भी सुने। तभी सन्यासी ने कहा, आप अपनी प्रजा की बिना इच्छा के ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें मेरे ज्ञान की ज़रूरत है। तो राजा ने कहा कि जीवन में हर मनुष्य को ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो सन्यासी ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो हर जगह मौजूद है, फिर मनुष्य उसे क्यों नहीं ग्रहण करता। तो राजा ने कहा, मुझे यकीन है आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को मेरी प्रजा ज़रूर स्वीकार करेगी। तो सन्यासी बोला, राजन आप तो जानते हैं मेरा घर महल से काफ़ी दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रजा को मेरे ज्ञान की ज़रूरत है तो आप उन्हें लेकर मेरे घर आ जाइए। सन्यासी की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, कल सुबह मैं अपनी प्रजा को लेकर आपके पास आ जाऊंगा। राजा ने अपने महल में घोषणा करवाई कि कल सारी प्रजा उनके साथ सन्यासी के दर्शन करने जाएंगे। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। अगले दिन सभी लोग राजा के साथ सन्यासी के घर की तरफ चल पड़े। सभी लोग थोड़ी दूर जाने पर प्रजा को एक जगह पर चांदी के कुछ सिक्के दिखाई दिए। उन सिक्कों को देखकर कुछ लोग उन्हें इकट्ठा करने में लग गए। राजा ने उनसे कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, इन सिक्कों को छोड़ दो, हमें सन्यासी जी से मिलने जाना है। तभी प्रजा की भीड़ से एक व्यक्ति बोला, महाराज हम बहुत गरीब हैं, अभी हमारे लिए ये चांदी के सिक्के बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते। उन लोगों की बात सुनकर राजा ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और आगे की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्हें सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। उन सिक्कों को देखकर आधी प्रजा उन्हें संभालने लगी। राजा उन्हें भी छोड़कर आगे निकल गया। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें और भी ज़्यादा सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा के साथ जो भी बची हुई प्रजा थी अब वो भी उन सिक्कों को इकट्ठा करने में लग गई। अब सिर्फ राजा ही अकेला था जो पहाड़ की तरफ जा रहा था। जैसे ही राजा सन्यासी के पास पहुंचा, तो सन्यासी ने कहा, राजन आप अकेले आए हो, आपकी प्रजा नहीं आई, मैंने तो आपकी प्रजा के लिए सारे इंतजाम करके रखे थे। तो राजा ने सन्यासी को सारी बात बताई। तो सन्यासी ने कहा, अब तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि ज्ञान के मार्ग पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। तो राजा ने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि आपने प्रजा के बैठने की व्यवस्था के साथ सोने चांदी को जगह जगह रखवाने की व्यवस्था भी की थी, ताकि आप मुझे समझा सको कि जो मनुष्य धन संपत्ति को देखकर रुक जाता है वो फिर कभी ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान उसी मनुष्य को मिलता है जो उसकी कीमत चुका सके और अपनी कोई भी कीमती चीज छोड़ पाए।